नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ईवे बिल के बारे में। जीएसटी का ईवे बिल, जिसे पहले रोड परमिट कहा जाता था, तो जो रोड परमिट था वो अब उसका नाम हो गया ईवे बिल। ईवे बिल रास्ते के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब माल का एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है तो ईवे बिल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया है, जो ये पहले हम इसे रोड परमिट कहते थे, हर स्टेट में हर एक तरह का नाम था, लेकिन अब इसका नाम हो गया ईवे बिल। और ये जो ईवे बिल है, ये अब सिर्फ इंटर स्टेट ही नहीं बल्कि इंट्रा स्टेट में भी यूज किया जा रहा है। तो वही चीज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि ईवे बिल के लिए किस तरह से हम जनरेट करेंगे ईवे बिल, किस तरह से हम उसमें व्हीकल का अपडेट करेंगे, किस तरह से हम उसका प्रयोग करेंगे, किस तरह आईडी बनेगा उस पर, किस तरह रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये पावर पॉइंट का करीब 53-54 स्लाइड्स हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ करना थोड़ा सा कठिन है। तो हमने क्या किया कि मेन मेन चीजें आपको बताया है इस वीडियो में, और जिसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने सोचा है ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ ना करने का, मतलब बोल के एक्सप्लेन ना करने का, लेकिन इस पे सारा लिखा हुआ है। आप वीडियो को पुश करके उसे पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाइए। गूगल पे आप मेरा नाम राम प्रकाश गौतम CA क्लब India.com लिखेंगे, वहां पे आपको ये फाइल मिल जाएगा और आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपका आसानी से पढ़ सकते हैं उसको। और कोई दिक्कत हो आपको, समझने में दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि पहले स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि ईवे बिल से फायदा क्या हुआ है। ईवे बिल का मेन की फायदा है वो चार तरह का हुआ है। सबसे पहले जो सप्लायर्स होता है, उसके पास ये पावर है ईवे बिल जनरेट करने का और रिजेक्ट करने का। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके नाम से इशू कर दिया है, ईवे बिल जनरेट कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं और आप उसे आगे उस पर एक्शन ले सकते हैं। सेम फायदा उसका जो रिसीवर होगा उसके लिए भी वही बात है, वो भी देख सकता है कि उसके नाम से क्या हुआ। अगली बात है कि पहले जो हम रोड परमिट बनाते थे तो सिर्फ हम बनाते थे, मतलब जो परचेजर होता था, सेलर नहीं करता था, ट्रांसपोर्टर नहीं कुछ कर पाता था। लेकिन अब ईवे बिल में ट्रांसपोर्टर का भी योगदान उतना ही रहेगा जितना सेलर या बायर का होता है, और डिपार्टमेंट के लिए भी अब ये इजी हो गया है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि ईवे बिल पे कैसे काम होगा, किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, ईवे बिल का जो साइट है वो इस तरह से आपके सामने आएगा, और मतलब जो उसका स्क्रीन होगा वो ऐसा स्क्रीन आपके सामने खुलेगा ईवे बिल का। अब हम आपको बताएं कि ईवे बिल का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। ये जानने के लिए हम आपको इस वीडियो को दिखा रहे हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ईवे बिल जनरेट करने के लिए। ईवे बिल जनरेट करने के लिए ये साइट आपको सामने खुलेगा। ईवे बिल पे जाकर के आप देखेंगे और उस पोर्टल पे आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब जो जीएसटी नंबर होता है वो आपके पास होना चाहिए।
तभी आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा और आप इसके सारे कॉलम्स जितने हैं वो आप इसमें भर दीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। एक एक पढ़ के भरना है, अगर आपको कहीं लगे दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। एक एक लाइन केयरफुली भरिएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, मैंने की पॉइंट जो साइट पे जीएसटी का जो टीम ने आपको कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, वो पॉइंट्स का मैं आपको बता दूं। टिप्स जो है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या रेडी होना चाहिए जिससे आपका टाइम बचे। तो सबसे पहले बात कि आपके हाथ में जीएसटी नंबर होना चाहिए अगर आप साइट पे रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं रोड परमिशन के लिए। उसके बाद जब आपने जीएसटी साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन किया था, उस वक्त जो मोबाइल आपने रजिस्टर्ड किया वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ताकि आपका ओटीपी वगैरह आएगा तो आप उसे यूज कर सके। जो आपका यूजर नेम होगा वह कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से पासवर्ड आपका सेट होगा और यूजर नेम सेट होगा, स्पेशल कैरेक्टर कैप्स में, A to Z स्मॉल में और नंबर में, इन सबों का होना जरूरी होगा। और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का यूजर नेम होगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। और मेन चीज ये है कि ये जीएसटी है, गवर्नमेंट साइट है और इम्पोर्टेंट है, तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड सिक्योर रखिए तो ज्यादा बेहतर है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि ईवे बिल सिस्टम में आपको यूज कैसे होगा, जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं वो कैसे करेंगे, जो जिनके पास जीएसटी नंबर है वो तो करेंगे, जो अनरजिस्टर्ड हैं उनके लिए क्या करना है। तो ये प्रोसेस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अनरजिस्टर्ड के लिए है, या कहा जाए ट्रांसपोर्टर्स के लिए है जो अनरजिस्टर्ड होते हैं। इसका हमने सारा एक एक लाइन आपको दिया है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। बताना जैसे मैं आपको कहा कि 52-53 स्लाइड से जो थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसे पढ़ करके करिए और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करिए। अब आप लॉगिन करिए यूएबिल में, यूएबिल के पोर्टल पे लॉगिन करिए अपने पासवर्ड और यूजर आईडी से। यूजर आईडी पासवर्ड से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का विंडो खुल के आएगा। ये विंडो आपके पास खुल के आएगा जब आप इसमें लॉगिन करेंगे, तो आपको इसमें लॉगिन करना है अपने यूजर आईडी से। और लॉगिन करने के बाद आपके पास सामने ये विंडो खुल के आएगा, और जब ये विंडो खुल के आएगा तो अब आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे कि यूए बिल के बारे में है और उसमें लिखा हुआ है जनरेट करने का, अपडेट करने का, कैंसिल, प्रिंट का ऑप्शन, कई ऑप्शन दिए हुए हैं। इन सारे ऑप्शंस को आप देखिए, उसमें जो करना है आपको वो आपको करिएगा। अगर जनरेट करना है तो यूए बिल जनरेट करिए, अपडेट करना है अपडेट करिए, कैंसिल करना है कैंसिल, जो भी है इसमें कई सारे कॉलम्स है, रजिस्ट्रेशन का है, यूजर मैनेजमेंट है, रिपोर्ट है, रिजेक्ट है, अपडेट है, इन सबको आपको जो जिस तरह की जरूरत हो उस तरह से आप करें। ऑप्शंस क्या है ईवे बिल में, हम एक एक करके चलेंगे। पहला हेडिंग था ईवे बिल। ईवे बिल में पहला ऑप्शन आता है दोस्तों जनरेट करने के लिए, कि आप किस तरह से जनरेट करेंगे। जनरेट क्या करना है कि आपको ईवे बिल में ईवे बिल जो है रोड परमिट वो जनरेट कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहला है कि हमें जनरेट न्यू करना होगा। न्यू जनरेट करने के लिए क्या प्रोसेस है, जब आप न्यू जनरेट करिएगा तो ये विंडो खुल के आपके सामने आएगा। जब ये विंडो खुल के सामने आएगा तो आपको एक एक चीज ध्यान से भरना है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांजैक्शन टाइप,
यहां देखिए आउटवर्ड और इनवर्ड है। जब आप सेल कर रहे हैं तो आउटवर्ड पे क्लिक करिएगा और जब परचेज कर रहे हैं तो इनवर्ड पे। जीएसटी ने रूल बनाया है कि सेलर को ही रोड परमिट बनाना है, यूए विद बनाना है, तो आपको हमेशा आउटवर्ड पे ही करना है। अब सब टाइटल इसमें आएगा कि एक्सपोर्ट है, सप्लाई है, जॉब वर्क है, जो भी है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। फिर इस विंडो में पार्टी का जिसका बिल है, जिसको आप बिल कर रहे हैं, उसका जीएसटी नंबर आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप इसे जनरेट कर सके। ये सारे रूल्स हमने लिखा है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, किस तरह से हम करेंगे, ये आप इसमें स्टडी करके समझ सकते हैं। एक इसमें मैंने इम्पोर्टेंट चीज आपको बताऊं इस रूल में कि जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो आपका जो जीएसटी नंबर होगा वो फाइव टू सिक्स टाइम नाइन डाल दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका यूए बिल बन जाएगा। क्योंकि इम्पोर्ट वाले केस में या एक्सपोर्ट वाले केस में जीएसटी नंबर नहीं होता है, लोकल हो तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं होता है। फिर जो यूए बिल का जो ये स्लीप है वो आपके पास बन के तैयार हो जाएगा कि इस तरह से विंडो आएगा और ये यूए बिल आपका तैयार हो जाएगा। अब इसमें मैंने ना कुछ टिप्स दिया है, उस टिप्स पे मैं ध्यान से बात करेंगे कि ये टिप्स हमने क्या दिया, वो टिप्स आपको मैं एक एक करके बताऊं। इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि जो मेन चीज है इसमें आप देखिएगा कि उसमें जितना भी जो विंडो खुला था, आपने देखा था जो जीएसटी का मेन साइट खुला था, उसमें जो भी फील्ड जो आपको भरना ही है किसी भी कीमत पे, उसके सामने रेड कलर का सिंबल दिया हुआ है और वो मैंडेटरी फील्ड जो जीएसटी आर वन में आएगा वहां पे ग्रीन कलर का दिया है। उसके बाद आप ये इंश्योर कर लीजिए जब भी आप यूए बिल बनाने के लिए बैठते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स का, इनवॉइस का डिटेल होना चाहिए, बिल माल के बारे में, कहां मूव करना है, माल कहां भेजना है, ये डेटा आपके पास होना चाहिए। आपके पास गाड़ी का नंबर होना चाहिए, आप किस तरह से भेज रहे हैं, बाय रेल, बाय एयर, बाय शिप, ये आपको पता होना चाहिए। आपका सप्लायर है, प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्टर डिटेल, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं होती है तो आपके लिए दिक्कतें होगी, तो ये मतलब जल्दी नहीं कर पाइएगा क्योंकि अर्जेंसी होती है। तो ये सारी चीजें जब भी आपके पास बिल बनने आता है, यूए बिल, तो इनवॉइस की कॉपी में ये चीज आप जरूर देखिए कि क्या ये चीज हमारे पास है अवेलेबल या नहीं। उसके बाद एक वो तो सिंगल यूए बिल का मैंने बताया, आगे होता है कि बल्क ज्यादा मात्रा में जब यूए बिल बनाना होता है तो हम किस तरह से यूए बिल बनाएंगे। जब ज्यादा मात्रा में होता है तो एक JSON फाइल अपलोड करना पड़ेगा इजी, जैसे आप सेल बिल, आप एक एक दिन में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 100-100 बिल काटती है, तो वहां पे अगर एक एक यूए बिल बनाया तो ज्यादा समय लगेगा। इस केस में आप बल्कि यूए बिल बनाइए और ईओए बिल बनाने के लिए आपको JSON फाइल अपलोड करना होता है। यूए बिल के लिए जब आप बल्क में जाकर के करते हैं तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन खुलेगा और JSON फाइल बनाने के बाद इस फाइल को आप इस पे अपलोड करेंगे। याद रखिएगा कि इसका साइज जो होगा वो मैक्सिमम 5 MB का होना चाहिए, 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप अपलोड कर देंगे, अपलोड और जनरेट करेंगे, इस तरह से आपके सामने साइट खुलेगा, एक विंडो आएगा साइट पे और आप अपना यूए बिल प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि इसका जो पार्ट बी होता है जिसमें गाड़ी का नंबर, व्हीकल का डिटेल दिया जाता है, उसको भरने के लिए
आपको इस तरह का एक स्क्रीन खुलेगा, स्क्रीन पे एक विंडो आएगा जिसपे इस टाइप का रहेगा। वहां पे आप ईवे बिल नंबर इस पे डालने के बाद, जो ईवे बिल जनरेट होगा वो डालने के बाद आप अपने व्हीकल को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप इसको करेंगे जिससे आपका ईवे बिल में जो पार्ट बी होता है जिसे कहा जाता है वो आपका तैयार हो जाए। ईवे बिल बनाते समय ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ईवे बिल जो है बिना व्हीकल नंबर के वैलिड नहीं है। ईवे बिल बिना व्हीकल नंबर के वैलिड नहीं होगा, आपको हमेशा गाड़ी का नंबर रखना पड़ेगा, ऐसे मूवमेंट मत करिएगा। अगर कोई ईवे बिल आपका जनरेट हो जाता है तो इसको आप एडिट नहीं कर सकते किसी भी मिस्टेक के लिए। और अगर एडिट नहीं कर सकते तो आपके पास एक रास्ता है, वो है कैंसिल करने का। और कैंसिल करने का टाइम होता है ओनली 24 घंटे, 24 आवर्स में आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंड चीज होता है, कई बार आप गाड़ी लेके चलते हैं और गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, तो व्हीकल चाहे आप जितना बार अपडेट करिए, कोई लिमिट नहीं दिया है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अंतिम व्हीकल जो है जिसमें माल जा रहा है वो जिस समय कोई अधिकारी आपकी गाड़ी को चेक कर रहा है उस समय वही व्हीकल का नंबर आपके जीएसटी ईवे बिल पे होना चाहिए। अब कई बार होता है कि गाड़ियां ज्यादा होती हैं तो व्हीकल बल्क में भी अपडेट करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको जेसॉन फाइल ही अपलोड करना पड़ेगा। और अपडेट फाइल के लिए आपको ठीक उसी तरह जेसॉन के बना करके, जेसॉन फाइल बना करके आप इस पे अपडेट कर सकते हैं जिससे आपका व्हीकल हो सकता है। कई सिचुएशन आते हैं ऐसे कि आपको ईवे बिल की वैलिडिटी को बढ़ाना पड़ जाता है, कुछ होता है कई बार ऐसा चीज होता है, जैसे आपको लगता है कि हम समय अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे और ईवे बिल मेरा वैलिड नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में आपको एक्सटेंशन के लिए करना पड़ता है, उसमें आप अपना ईवे बिल इंटर करिएगा। जब आप ईवे बिल इंटर करिएगा तो ये स्क्रीन आएगा, जब आप एक्सटेंड करिएगा वैलिडिटी और यहां अपना ईवे बिल डालिएगा तब जाकर के आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगा और यहां पे आप यस नो का नीचे देखिएगा, इसमें पूछता है कि क्या आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप यस करिए और इसमें आपका एक्सटेंड हो जाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप इसको कर सकते हैं एक्सटेंड भी। नेक्स्ट होता है अपडेट करने का ट्रांसपोर्टर डिटेल। ईवे बिल में एक सुविधा दिया हुआ है कि आप ट्रांसपोर्टर का भी डिटेल भर सकते हैं, जो आप साइट पे देख करके आप उसको भर सकते हैं। जब आप इसको भरते हैं ट्रांसपोर्ट का करते हैं ईवे बिल डाल के, ईवे बिल नंबर डाल के, तो ईवे बिल डालने के लिए कि आपको इस तरह का एक विंडो आएगा जिसमें आपको करना होता है, इस तरह का एक विंडो खुल के आएगा आपके पास, इस पे आप भर दीजिए और आप डिटेल अपने ट्रांसपोर्टर का इस विंडो पे अपलोड कर दीजिए। एक सिचुएशन कई बार होता है कि आपको ईवे बिल कैंसिल करना पड़ता है, जो कि मैंने बताया आपको। कैंसिल करने के लिए आपको कैंसल सब ऑप्शन ईवे बिल ऑप्शन में जाके क्लिक करना है। वहां जब आप क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का विंडो खुल के आएगा और इस विंडो में आप अपना ईवे बिल नंबर डालिए और उसके बाद आप इसका कैंसिल इसको कर सकते हैं, अगर कैंसिल कर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा फॉर्म जनरेशन के 24 घंटे के अंदर ही आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, आइदर नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है ईवे बिल प्रिंट करने के ऑप्शन।
जब आपको ईवे बिल प्रिंट करना हो तो ईवे बिल प्रिंट करने के लिए आप भी आपको सब ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ईवे बिल ऑप्शन के सब ऑप्शन है प्रिंट ईवे बिल, वहां जाकर के आप जब अपना उस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका ईवे बिल नंबर मांगेगा, या तो जब आप ईवे बिल नंबर डालिएगा ऐसे वाले स्क्रीन में, इस स्क्रीन पे एंटर यूनिक वाई ईवे बिल नंबर, तो जा करके ये ईवे बिल तैयार आपको निकलेगा जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आपने उसमें देखा मैनेजिंग कंसोलिडेटेड ईवे बिल। कंसोलिडेटेड ईवे बिल जनरेट करने के लिए आप उसमें देखिए कंसोलिडेटेड ईवे बिल में जाइएगा तो आपके यहाँ पे भी चार ऑप्शन मिलेगा, जनरेट न्यू, जनरेट वर्क, रीजनरेट प्रिंट कंसोलिडेटेड। तो पहले आपको हम जनरेट न्यू देखते हैं कंसोलिडेटेड कैसे करना। इसके लिए आपको ईवे बिल नंबर कंसाइनमेंट का हो और आप इसमें जनरेट न्यू में जाकर के जब आप क्लिक करेंगे इस पे और उसके अंदर आता है कंसोलिडेटेड ईवे बिल ऑप्शन और उसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक विंडो खुल के आपके सामने आएगा जिससे आप अपना जनरेट कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन आता है कि आपको बल्क कंसोलिडेटेड ईवे बिल भी जनरेट कैसे करेंगे। बल्क कंसोलिडेटेड ईवे बिल के लिए भी आपको सेम फॉलो करना है, जनरेट बल्क ऑप्शन में जाके, सब ऑप्शन में जाके कंसोलिडेटेड ईवे बिल आपके सामने ये फाइल आएगा। जिस तरह से जेएसओएन फाइल डालते थे उसी तरह इसमें भी जेएसओएन फाइल डालना पड़ेगा और आप इसमें अपलोड जब कर देंगे, अपलोड करने के बाद सिलेक्ट करके अपलोड करने के बाद ईवे बिल पोर्टल पे इस तरह का आपको अपलोड एंड जनरेट करके इस तरह का आएगा और इसको अपलोड करेंगे तो आपका ईवे बिल तैयार हो जाएगा और आप जनरेट करते हैं। अब कई बार सिचुएशन आता है रीजनरेट करने का। रीजनरेट करने के लिए आपको ईवे बिल में क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें वही आप ईवे बिल में जाकर के सिलेक्ट करिएगा, एक सब ऑप्शन है रीजनरेट और रीजनरेट के अंदर जाके है कंसोलिडेटेड ईडब्ल्यूबी। जब कंसोलिडेटेड ईडब्ल्यूबी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक स्क्रीन खुल के आएगा और इस स्क्रीन पे आप 10 डिजिट का अपना कंसोलिडेटेड ईवे बिल नंबर डालेंगे और डाल करके आपको गो करना है जिससे आपके सामने फिर एक नया विंडो खुलेगा इस टाइप का, ऊपर वाले टाइप का, और इसमें जो भी आपका है इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का आपके सामने एक विंडो आ जाएगा और उसमें आप अपना व्हीकल नंबर वगैरह अपडेट कर दीजिए दोनों पार्ट और आपका ईवे बिल रेडी हो जाएगा। फिर आप इसको प्रिंट करना कैसे है, प्रिंट करने के लिए भी हम आपको बताए थे पिछले सारे करीब करीब सिचुएशन सेम ही है। आपको क्या करना है कि सब ऑप्शन में जो प्रिंट कंसोलिडेटेड ईडब्ल्यूबी का ऑप्शन है उसे क्लिक करिए, अपना ईडब्ल्यूबी नंबर डालिए और गो का बटन क्लिक करिए, आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। एक कई बार ऐसा सिचुएशंस आते हैं कि ईडब्ल्यूबी रिजेक्ट करना पड़ता है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति ने जनरेट कर दिया, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है आपके ईवे बिल में, लेकिन इसमें आपके पास ईडब्ल्यूबी होना चाहिए, ये ईवे बिल होना चाहिए
और उस यूए बिल को आप कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आप ईडब्ल्यूबी के ऑप्शन में जाकर के वहां पे रिजेक्ट का जो कॉलम है, रिजेक्ट का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा। जब आपके पास ये खुल के आए तो उसमें डेट वगैरह सेलेक्ट करिए और डेट सेलेक्ट करके आप उसको सबमिट करिए और जब आप सबमिट करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन आएगा उसमें देख करके कौन सा नंबर है और उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन उसमें है, मेन पेज पे था, जनरेटिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे जनरेट होगा? ईवे बिल में इस टाइप के आपको मिलेंगे ऑप्शन जिसमें रिपोर्ट जनरेट करना, जिसमें पहला होता है कि आपने ईवे बिल रिपोर्ट जो आता है माई ईवे बिल रिपोर्ट, उसमें आपका बहुत सारे ऑप्शन है, आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई है, इस सब में आपको सारा डिटेल मिलेगा कि आपने ईवे बिल जो है वो शो करेगा कितना आपने आउटवर्ड सप्लाई के लिए किया, कितना इनवर्ड के लिए किया, कितना कैंसिल किया, कितना रिजेक्ट किया, कितना। दूसरा है अदर ईडब्ल्यूबी रिपोर्ट, उसमें कितना दूसरे लोगों ने किया, कितना जनरेट किया आपका ईडब्ल्यूबी आपके जीएसटी नंबर पे, किसने रिजेक्ट किसी दूसरे लोगों ने कर दिया। इसी तरह मास्टर्स रिपोर्ट है, मास्टर में क्लाइंट का है, सप्लायर का है, ट्रांसपोर्टर का है, प्रोडक्ट का है, ये सारे चीजें रिपोर्ट के लिए आप जो भी चाहते हैं आप यहां से रिपोर्ट अपना निकाल सकते हैं, अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में, सारा चीज आपको यहां पे मिल जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा ही जीएसटी का साइट पे ईवे बिल बनाया गया है जिससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको कस्टमर मास्टर भरना है, क्लाइंट है इसमें, मतलब हर चीज है, कस्टमर्स मास्टर करना है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, ये सारी चीजें आप इसमें अपडेट कर सकते हैं जिससे आपको सुविधा मिलेगी ईवे बिल बनाने में। सप्लायर का डिटेल आप लीजिए, आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है उसमें जीएसटी नंबर डालिए, आप उसका बंदे का नाम आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा और आप सप्लायर का सेव कर लीजिए उसको, ट्रांसपोर्टर सेव करिए जिससे आपको काम करते रहना है। कुछ सिचुएशन में बल्क अपलोड, फिर वही बल्क अपलोड हो जाता है, माय मास्टर में क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम अपलोड करना है, वही जेएसओन फाइल बनाइए और आप अपलोड कर लीजिए, इससे जिससे इकट्ठे आपका हो जाएगा, बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। और मास्टर में रहेगा तो आप इजीली आप कभी भी यूज कर सकते हैं माय पार्टी के नाम को और काम कर सकते हैं। उसके बाद यूजर मैनेजमेंट है, यूजर मैनेजमेंट में आपको सब यूजर क्रिएट करना है, फ्रीज सब यूजर करना है, अपडेट सब यूजर करना है, चेंज पासवर्ड करना है। यूजर मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट की टीम है जो इसको यूज कर रहा है जीएसटी को, उसमें आप क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि कुछ राइट्स आपके पास हो, कुछ मैनेजर के पास हो, कुछ एग्जीक्यूटिव के पास हो, तो इसके लिए है जिसमें मैं आपको बताता हूं कि पहला चीज है कि सब यूजर कैसे क्रिएट होगा। कई बार क्या होता है कि एक या एक से अधिक लोग भी इसे यूज करना चाहते हैं, तो जब आपको सब यूजर क्रिएट करना है तो इसमें सब ऑप्शन जो है उसमें जाके क्रिएट सब यूजर पे, क्रिएट यूजर मैनेजमेंट में जाके क्रिएट सब यूजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आ जाएगा। जब ये स्क्रीन खुल के आता है आपके सामने, ये सब आप ध्यान से भर दीजिए, आप देख रहे हैं ये जो मार्क किया हुआ है, और इसको भरने के बाद आप अपने दूसरे व्यक्ति को, दूसरे एम्प्लॉई को भी एक यूजर आईडी पासवर्ड दे दीजिए जिससे वो यूज उसको कर सकता है और वो सब चीज कर सकता है जितना चीज आप कर सकते हैं, मतलब मेन यूजर जितना करेगा।
अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ नौकरी छोड़ दिया, अब आपने यूजर आईडी उसको दे रखा है, अगर एक ही यूजर आईडी सब लोग लिए हैं तो वो कुछ भी गड़बड़ आपके यूजर आईडी के साथ कर सकता है। तो आप क्या करिए, अगर उसको अलग दे रखे हैं यूजर आईडी, अगर सब यूजर आईडी का फंक्शन आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास, तो उनको एक फ्रीज कर दीजिए, और फ्रीज करके उनका बंद हो जाएगा, आप उसको फ्रीज कर दीजिए। उससे क्या होगा कि वो बंदा दोबारा आपके साइट को पहुंच नहीं पाएगा, जिससे आपका काम हो जाएगा, जिससे कि कोई व्यक्ति गलत ना करे। कई बार क्या होता है कि आपका मेन आद व्यक्ति कोई मैनेजर है जो कि छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको करना कुछ भी नहीं है, पासवर्ड चेंज करना है। तो पासवर्ड चेंज करने का भी तरीका हमने आपको यहाँ पे दे दिया है, और आप यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अपना न्यू पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप काम करिए, लेकिन ध्यान रखिए, हमारा सलाह रहेगा कि कुछ कुछ दिनों में, महीने 10 दिन पे 2 महीने में अपना पासवर्ड चेंज करते रहा करिए, जो आपके लिए सुविधाजनक होता है। बैंक भी कहते हैं पासवर्ड चेंज करना चाहिए। अब है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के कई प्रकार है, एक है SMS, एक है एंड्रॉयड, एक है GSP और एक है API। SMS तो अभी चल चुका है, SMS का रजिस्ट्रेशन चल चुका है, लेकिन बाकी जो GSP API है ये सब अभी साइट पे चला नहीं है, दे दिया गया है, लेकिन ये सब भी आगे कुछ दिनों में एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए हम पहले जानते हैं SMS के लिए क्या करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन में जाकर के SMS वाले जो ऑप्शन है उस पे जाकर के रजिस्ट्रेशन का जब क्लिक करेंगे बटन, तो ये स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगा, और आप अपना OTP डाल करके मोबाइल का नंबर डाल, मेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाएगा उस पे, आप OTP ले लीजिए, वेरीफाई OTP कर दीजिए, तो जितना भी बिल जनरेट होगा आपके पास SMS आता जाएगा। SMS आने से आपको बहुत अच्छा होता है कि आपको मैनुअल ई-बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस पे आप मैक्सिमम 2 मोबाइल नंबर आप इस पे ऐड कर सकते हैं, और SMS दिखा के भी रास्ते में आपकी गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा। एंड्रॉइड मोबाइल के लिए भी है, एंड्रॉयड का भी रजिस्ट्रेशन करना है। एंड्रॉयड में जाके वही मेन ऑप्शन में आप जाके रजिस्ट्रेशन में जाके जब एंड्रॉयड करेंगे, फॉर एंड्रॉयड ऑप्शन, वहां रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आएगा, उसको आप रीच करिए, और उस पर जब करिएगा क्लिक, तो इस टाइप का एक आपके सामने स्क्रीन खुल के आएगा, और उस स्क्रीन पे आपको अपना डिटेल डालना है, और उसमें OTP आएगा, उस OTP से आप वेरीफाई कर दीजिए, और उसके बाद आप अपना यूजर वगैरह सिलेक्ट करिए, एंड्रॉयड ऐप यूज करना है तो आप उसको यस करके आगे निकल जाइए। अब 2 ऑप्शन और था, GSP और API, ये दोनों अभी अप्लाइड नहीं हुआ है, इसमें अभी आपको जब भी साइट पे आएगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, जिससे कि आपको दिक्कतें नहीं होगी, अभी ये दोनों चीजें नहीं आई। अगला हम देखते हैं अपडेट। कई बार ट्रांसपोर्टर को, टैक्स पेयर को अपडेट करने की जरूरत होती है, इस केस में आप ट्रांसपोर्टर का रजिस्ट्रेशन करिए, इस तरह से विंडो खुलेगा। ट्रांसपोर्टर का रजिस्टर करने के लिए फॉर ट्रांसपोर्टर टैक्स पेयर आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाके करना है, और कभी भी कोई ट्रांसपोर्टर या टैक्स पेयर ये रजिस्ट्रेशन चेंज कर सकता है, और जब ये ऑप्शन आएगा तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, और उस OTP से वेरीफाई कर दीजिए। OTP से वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक और विंडो खुल के आएगा, जिस विंडो से आप सेव जब कर देंगे इस विंडो पे, ट्रांसपोर्टर के रजिस्ट्रेशन पे जब आप सेव कर देंगे तो आपका ये सेव हो जाता है। अब कॉमन पोर्टल पे आपको देखना है कि माय GSTN फ्रॉम कॉमन पोर्टल, ये GSTN कॉमन पोर्टल पे आप अपना GST नंबर दीजिएगा, एप्लीकेंट नेम
ऑटोमेटिक आएगा। यूए बिल यूजर अपडेशन फॉर्म होता है, इससे बिजनेस डिटेल आप इस पे पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको बताते हैं ग्रीवेंसेस का ऑप्शन था। ग्रीवेंसेस में भी अगर आपको कोई डिटेंशन की वगैरह की एंट्री करनी है तो आप डिटेंशन एंट्री यूए बिल नंबर डाल करके कर सकते हैं। डिटेंशन एंट्री के लिए इस टाइप का फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा, आप इस पे भर दीजिए और आप डिटेंशन का भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है, कई जगह देखा गया है कि जब आप यूए बिल जनरेट करते हैं तो बहुत तरह के मिस्टेक्स होते हैं, तो हमने उस मिस्टेक से बचने के लिए कुछ सजेशंस यहाँ पे दिए हैं। इस सजेशन को आप एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद कोई दिक्कत हो आप मुझे एक बार जरूर फोन कर लीजिए। समझने में दिक्कत हो स्क्रीन आप रोक करके वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। इसमें कहता है कि क्लाइंट कस्टमर और सप्लायर का नाम आप अपने मास्टर मेन्यू में पहले से अपडेट कर लीजिए, जो मैंने पीछे बताया। इससे आपको क्या होगा, बहुत मदद मिलेगा जल्दी से आपको बनाने में, और गलतियां नहीं होगी, नाम में मिस्टेक होना, एड्रेस में मिस्टेक होना, इन तरह की गलतियां आपसे नहीं होगी। प्रोडक्ट मास्टर में जाकर के आप HSN वगैरह, रेट ऑफ टैक्स वगैरह अपडेट कर लीजिए ताकि आपको प्रोडक्ट का नाम मिस्टेक ना हो, HSN कोड गलत ना हो। और हर फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा जरूर उसको पढ़िए, उसको वेरीफाई कर लिया करिए। और सब यूजर जो है उसको बहुत ध्यान से यूज करिए, क्योंकि ये दिक्कतें लोगों को होती है, क्योंकि सबका अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड आप देंगे, मैनेजर चेंज होता है, ऑपरेटर चेंज होता है, एम्प्लॉई चेंज होता है, तो उस समय दिक्कतें होती हैं। तो इस पर थोड़ा सा केयरफुली आपको ध्यान देना है। जितने भी बाकी फैसिलिटीज साइट पे दिया गया है उसको भी आपको केयरफुली ध्यान से यूज करना है, क्योंकि ईवे बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मिस्टेक करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक करते हैं, तो इसमें कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं है जो आपको ध्यान देना है ताकि आपके मिस्टेक ना हो। सेकेंडली, आप जानते होंगे 10 अप्रैल को प्रेस रिलीज हुआ था। 1 अप्रैल से क्या था कि इंटर स्टेट अप्लीकेबल हो गया था और इंट्रा स्टेट का नहीं हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 अप्रैल से आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में, सॉरी 15 अप्रैल से, 10 अप्रैल को प्रेस रिलीज हुआ था, 15 अप्रैल से इन 5 स्टेट में भी मैंडेटरी कर दिया गया था। उसके बाद अभी हाल में 25 अप्रैल से, 23 अप्रैल को प्रेस रिलीज हुआ है कि 25 अप्रैल से फिर 5 स्टेट, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और पौंडीचेरी में भी अप्लीकेबल कर दिया गया है इंट्रा स्टेट में भी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर कोई सवाल हो आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप करें और कोशिश करें वीडियो पॉज करके आप देखें। मैं शॉर्ट में निकाला तो भी जाके ये 40-45 मिनट का वीडियो बन गया, और आप इसका डाउनलोड इसको कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपने caclubindia.com पे आपको ये मेरा पावर पॉइंट मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में टाइप करिए राम प्रकाश गौतम caclubindia.com, आपको मेरा प्रोफाइल खुलेगा, वहां से फाइल में जा करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।